एवरी वन इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ साइंस की असेसमेंट वर्कशीट नंबर थर्टीन करेंगे डेट है जिसकी फोर्टी ट्वेंटी फोर जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू यहाँ पर आप अपना नेम एंड अपने क्लास टीचर का नेम आप यहाँ पे लिखेंगे तो चलिए वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं जो कि आपकी वर्क एंड एनर्जी वाले चैप्टर से ली गई है एनर्जी इज क्वान्टिटिव प्रॉपर्टी दैट मस्ट बी ट्रांसफर्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू परफॉर्म वर्क ऑन और टू हीट द ऑब्जेक्ट तो एनर्जी जो क्वान्ट uh, एनर्जी होती है वो एक क्वान्टिटिव प्रॉपर्टी होती है जो कि ट्रांसफर होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में आ, जो कि वर्क करने के लिए किसी भी चीज़ को हीट करने के लिए यूज करी जाती है द ऑबजेक्ट विच डज डज द वर्क लॉसिस एनर्जी और कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि काम कर रहा होता है उस वो एनर्जी लॉस करता है और जो ऑब्जेक्ट होता है जिसपे जो एनर्जी हुई होती है वो वर्क डन हुआ होता है उस वो एनर्जी गेन करता है अब आपने ऊपर वाला मैसेज पढ़ लिया तो यहाँ पे अब आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं अब हमें ये इन क्वेश्चंस को क्या आंसर देने हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है डिफाइन एनर्जी तो आप इसका आंसर करेंगे द कैपेसिटी टू डू वर्क इज़ नोन एज एनर्जी तो किसी भी काम को करने की कैपेसिटी को हम एनर्जी बोलते हैं अब उसके बाद यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है नेम एनी फोर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम योर सराउंडिंग्स तो हमें अपने चारों तरफ से कोई चार नेम लिखने हैं एनर्जी के तो हमने इतने सारी एनर्जीज के नेम पढ़ रखे हैं तो यहाँ पे आपको कोई चार लिखने हैं तो यहाँ पे आप कर दें इलेक्ट्रिकल एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी लाइट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी आप चाहें चाहेंशियल पोटेंशियल एनर्जी भी कर सकते हैं अब यहाँ पे है व्हाट इज़ द एस आई यूनिट ऑफ एनर्जी एनर्जी की एस आई यूनिट क्या होती है तो एनर्जी की एस आई यूनिट होती है जूल अब यहाँ पे बोला है कि ना एक्सप्रेस फोर पॉइंट फाइव किलो जूल एनर्जी इन जूल तो आपको इसे जूल में चेंज करनी है तो हम जानते हैं वन किलो जूल में कितने जूल होते हैं थाउजेंड जूल होते हैं तो हम इसको आ, यहाँ पे वन वन था है ना यहाँ पे वन फाइव वन फोर पॉइंट फाइव किलो जूल है ठीक है तो आप यहाँ पे कर लेंगे तो इसको आप करेंगे तो वन फोर पॉइंट फाइव को आप थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर, कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा वन फोर फाइव ज़ीरो ज़ीरो जूल आपका आंसर होगा उसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है डिफाइन काइनेटिक एनर्जी ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंड तो वो पहले तो बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन def, करें और उसके बाद पूछा है किन किन फैक्टर्स पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डिपेंड होती है तो आप इसका आंसर करेंगे द एनर्जी विच इज ड्यू टू इट्स मोशन कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी तो वो एनर्जी जो कि उस अपने मोशन की वजह से होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं और ये दो वेरिएबल्स पे डिपेंड होती है पहला होता है मास ऑब्जेक्ट का और दूसरी होती है उसकी स्पीड बड़ी ने पूछा है विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल इज पोज इन द फॉलोइंग सिचुएशन मतलब इन दोनों सिचुएशन में कौन कौन सी एनर्जी हो रही है तो पहला है स्क्रीन स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रेस्ड बाव तो स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रेस्ड बाओ को हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी और आपका एक एरो रिलीज फ्रॉम अ बाव हो जाएगा आपकी काइनेटिक एनर्जी उसके बाद यहां पे पूछा है कैलकुलेट द वर्क टू बी डन टू द वेलोसिटी ऑफ इनक्रीजो हंड्रेड किलोग्राम कार फ्रॉम थर्टी किलोमीटर पर आर टू सिक्सटी किलोमीटर आर तो यहाँ पे बोल रखे हैं कि एनर्जी का जो वर्क डन हुआ है ना उस, व, उसे कैलकुलेट करना है अगर जो वेलोसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कि फिफ्टीन थाउजेंड फिफ्टीन हंड्रेड किलोग्राम की 15, 000, के कार है उसकी क्या हुई वेलोसिटी थर्टी किलोमीटर पर आर से सिक्सटी किलोमीटर पर आर हो गई तो उसकी हमें वर्क डन बताना है आप इसका आंसर करेंगे इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है यू क्या है थर्टी किलोमीटर पर आर जिसको हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ट्वेंटी फाइव अपॉइंट थ्री मीटर पर सेकेंड उसके बाद फाइनल वेलोसिटी क्या है सिक्सटी किलोमीटर पर आर अगर हम इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो हम सिक्सटी को फाइव अपॉइंट एटीन से चेंज मल्टीप्लाई करेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए और हमारा आंसर आ जाएगा फिफ्टी अपॉइंट थ्री मीटर पर सेकंड मास है हमारा फिफ फिफ्टीन हंड्रेड किलोग्राम और वर्क डन का फॉर्मूला होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम हाफ एम वी एम वी माइनस हाफ़ एम वी स्क्वायर ठीक है इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन को हमें माइनस करना होता है तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी ठीक है और उसका हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वन आंसर आएगा वन लैख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी जूल उसके बाद थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी को हमें यहाँ पर डिफाइन करना है और थ्री एग्जांपल्स भी लिखने हैं पोटेंशियल एनर्जी के तो पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन तो पोटेंशियल एनर्जी ये एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि किसी भी बॉडी के अंदर स्टोर होती है उसकी पोजिशन की वजह से थ्री एग्जाम्पल्स हो जाएंगे स्ट्रिंग स्ट्रेस्ड बॉ दूसरा हो जाएगा फ्रूट ऑन द ट्री और थर्ड एग्जाम्पल हो जाएगा अ कार ऑन द टॉप ऑफ हिल यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है स्टोन ऑफ मास फाइव किलो का एक स्टोन है उसको टेन मीटर की हाइट पे रखा गया है तो हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है और ग्रेविटी हमें रखनी है टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है बी में एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास टेन के एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास टेन के है और एक फोर मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है तो हमें इसकी कनेटिक एनर्जी निकालनी है तो आप पहले ए का करेंगे उसमें हमें क्या निकालनी है आ, का पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो मास क्या है पत्थर का फाइव के है हाइट क्या है टेन मीटर है और और यहाँ पे ग्रेविटी हमें बोल रही है टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में करनी है ठीक है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच तो मास है हमारा फाइव ग्रेविटी है हमारी टेन और हाइट है हमारी टेन इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइव हंड्रेड झूल झूल आ जाएगा दूसरा क्वेश्चन हमें यहाँ पे करना है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका मास टेन के जी है जो कि एक वेलोसिटी से चल जा रहा है वेलोसिटी है फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड तो हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो मास कितना है टेन के जी विलॉसिटी होगी फोर मीटर पर सेकेंड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मला होता है हाफ एम वी स्क्वायर तो यहाँ पर हाफ लिख देंगे मास क्या है टेन है वी क्या है हमारा फोर है तो हम इसको काटेंगे ठीक है वीस स्क्वायर है मतलब दो दो आ, बार आएंगे फोर तो फो यहाँ से एक टू टू वन जो टू हो जाएगा टू टू जो फोर कट जाएगा एक और हमारा आंसर आ जाएगा एट्टी जूल अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है तो इट स्टेट्स दैट एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेंस कॉन्स्टेंट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड तो यहाँ पे बता रखा है कि जो एनर्जी होती है वो आइसोलेटेड सिस्टम होती है जो कि हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है और ना ही वो क्रिएट की जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय करी जाती है करी जा सकती है ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बस चेंज करी जा सकती है अब दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg is dropped ड्रॉप्ड a अ हाइट ऑफ meter मीटर the table टेबल completing the potential energy एनर्जी इन case केस केस यहाँ पे हमें ग्रेविटी टेन मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखनी है तो पहले हम इस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं तो मास क्या है ऑब्जेक्ट का ट्वेंटी केजी है ग्रेविटी टेन मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखनी है हमें हाइट फोर मीटर रखनी है पोटेंशियल एनर्जी का फॉमुला होता है एम मास है हमारा ट्वेंटी ग्रेविटी सॉरी टेन और हाइट है फोर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एट हंड्रेड जूल आ जाएगा उसके बाद हमें एक टेबल को भी कंप्लीट करना है तो हमें इस, इस टेबल को भी कंप्लीट करना है तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पे हमें हाइट दे रखी है फो हमें फोर सेंटीमीटर थ्री सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर वन सेंटीमीटर बताना है और ग्राउंड के बिल्कुल ऊपर बताना है तो फोर सेंटीमीटर पर इसकी हाइट होगी एट हंड्रेड जूल है ना और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जीरो और टोटल एनर्जी हो जाएगी एट हंड्रेड थ्री सेंटीमीटर पे हो जाएगी इसकी सिक्स हंड्रेड जूल हो जाएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी टू हंड्रेड जूल और टोटल एनर्जी हो जाएगी एट हंड्रेड उसके बाद टू सेंटीमीटर पे हो जाएगी सॉरी टू मीटर पे हो जाएगी फोर हंड्रेड जूल और काइनेटिक एनर्जी भी फोर हंड्रेड जूल हो जाएगी और टोटल एनर्जी हो जाएगी एट हंड्रेड जूल वन मीटर पे हो जाएगी टू हंड्रेड जूल और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी सिक्स हंड्रेड जूल और टोटल एनर्जी हो जाएगी आपकी एट हंड्रेड जूल टॉप पे होगी मतलब थोड़ा सा ग्राउंड से ऊपर तो हो जाएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो जी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी एट हंड्रेड और इसकी टोटल एनर्जी हो जाएगी एट हंड्रेड इसी के साथ आपकी बहुत ही आसान सी वर्कशीट कंप्लीट होती है तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिएगा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो बाय बाय गाइस